199 सीटों पर वोटों की काउंटिंग, बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। दोनों पार्टियां कर रही है अपनी बहुमत जीत का दावा। राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। परिणाम से पहले बीजेपी का कांग्रेस पर कटाक्ष, कांग्रेस लगातार कर रही है बीजेपी पर पलटवार। क्या राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज होगा कायम? राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद किस पार्टी की सरकार प्रदेश में अपना परचम लहराएगी, इसका इंतजार है। लेकिन इस बार राजस्थान का विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश का सरकार बदलने का रिवाज का इतिहास हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इसमें खास बात यह है कि क्या जनता जनार्दन रिवाज को कायम रखती है या फिर कांग्रेस को दोबारा मौका दिया जाएगा। 199 सीटों पर घमासान तेज है। कौन होगा पास, कौन होगा फेल? नतीजों से पहले नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। प्रदेश में इस बार 75.45% मतदान हुआ है। प्रदेश में 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 199 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1121 ARO की ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन एग्जिट पोल ने राजस्थान की सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कुछ एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में रिवाज बदलने के आसार हैं। लेकिन कई एग्जिट पोल की रिपोर्ट में राजस्थान में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी को कमान सौंपी है। लेकिन वास्तविकता में सच्चाई क्या है, ये तो काउंटिंग पूरी होने के बाद ही पता चलेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। मैंने खुद वहाँ पे बहुत समय बिताया है। मैंने खुद देखा है कि जमीनी सच्चाई क्या है। हमारी सरकार राजस्थान के लोगों का पूरा समर्थन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। भाजपा से हम विभिन्न प्रकार की बातें हम सुन रहे हैं, अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है अपनी जीत पर, तो इस प्रकार की बेबुनियाद बातें रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की क्यों कर रहे हैं? क्यों उनके जो विधानसभा के नेता हैं राठौर जी, उनको क्यों चिट्ठी लिखनी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को? मेरे लिए खुशी इस बात की होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और पहली माला सीपी जोशी कहना है। मुझे जो दायित्व दिया गया था उसका ईमानदारी से हमने निर्वहन करने का काम किया। टीम राजस्थान में सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी परिश्रम मेहनत की, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और पूरे प्रदेश के सभी मतदाताओं का भी। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूँ कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। यहाँ तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार, इसका ही बोलबाला था। और जनता एक तरह से इंतजार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। तो सुना आपने, दोनों ही पार्टी के नेता पूरे उत्साह के साथ अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी के पास अपनी रणनीति है कांग्रेस पर निशाना साधने की, तो कांग्रेस के पास अपने तरीके हैं बीजेपी पर हमलावर होने के लिए। लेकिन इन सब के बीच दोनों पार्टियां अपना अपना मास्टर प्लान भी तैयार करने का काम कर रही है। हालांकि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार 199 सीटों पर ही चुनाव लड़ा गया, क्योंकि श्री गंगानगर की करनपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण वहां चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। BSP ने इस बार बाहर से समर्थन देने के बजाय सरकार में शामिल होने के विकल्प पर विचार कर रही है।
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता निर्दलियों को साथ जोड़कर दबाव बनाने की फिराक में है। दोनों ही पार्टियों के नेता सार्वजनिक रूप से तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीतने योग्य एक दर्जन निर्दलियों और छोटी पार्टियों के प्रत्याशियों से संपर्क साधा जा रहा है। इस सियासी उठापटक के खेल का परिणाम भी जल्द ही आने वाला है। उसमें धुंधले बादल हट जाने के बाद जैसे आसमान साफ हो जाते हैं, वैसे ही परिणाम की घोषणा होने के बाद पक्ष विपक्ष के नेताओं के दावों और बयानों को भी अपने आप जवाब मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।